फैलाने की राजनीति जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कर रही हैं। लेकिन मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि देश की जनसंख्या के हिसाब से कितने फीसदी लोगों को वैक्सीन सरकार अब तक लगा चुकी है, उसका जवाब आपसे नहीं मिला। नूपुर में आगे आपके पास आऊंगी और छोटे देशों से तुलना करके अगर हम अपनी वैक्सीनेशन पद्धति को बताएंगे तो यकीनन ये ठीक नहीं होगा मौजूदा हालात में, क्योंकि बड़ी आबादी होने के नाते हमारी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन प्रताप सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, केंद्र सरकार के साथ सारी की सारी जिम्मेदारी है, ये टोपी ट्रांसफर करने का काम कांग्रेस पार्टी अक्सर करती है, लेकिन सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, उनका ये कहना है लगभग 11.5 लाख खुराक की बर्बादी आपकी सरकार ने की है राजस्थान में, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, ये एक तो ये उन्होंने झूठा बयान दिया है, जो सतीश पूनिया जी हैं वो हमारे मित्र हैं, और इस वक्त ना तो कांग्रेस से मतलब है लोगों को, ना बीजेपी से, ना जो वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 से ऊपर का व्यक्ति जा रहा है वो ये नहीं पूछ रहा है कि मेरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की। बुजुर्ग आदमी जाता है, लाइन में खड़ा रहता है, उसके बाद उसको जवाब मिलता है, देखिए साहब अब आपका नंबर इसमें एंटर नहीं हो रहा है। पहले 28 दिन वो झगड़ा करता है वहां पे, पहले 28 दिन का अंतर दे दिया, फिर 42 दिन का, फिर 56 दिन का, अब आपने पता ही 85 या 90 दिन पर ले गए, और अब आप उसमें जो आपको वैक्सीन लगनी है तो आपका जो आपने ऐप बना रखा है उस ऐप में आप डाउनलोड नहीं होंगे, आपका नाम ही एंटर नहीं हो रहा है। वो बुजुर्ग आदमी, उससे आप उम्मीद कीजिए, उसको ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से। उस वक्त वो बेचारा नहीं कर रहा, वो परेशान हो रहा, वो डॉक्टर से झगड़ा कर रहा है, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं आ जाए जिस दिन भारत सरकार ये कह दे कि हम टीका उपलब्ध कराने में मजबूर हैं, पहले हमने गारंटी ले ली, हम तो माफी चाहते हैं, तो कह दो ने साफ साफ एक डोज ही लगवाइए, वो दिन भी आ सकता है। ये वैक्सीन जो पूरा नियंत्रण भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया, ये डॉक्टर्स ने तो कहा नहीं था, राज्य सरकारों ने कहा नहीं था, आपने खुद ने कहा, बीजेपी की, केंद्र की, मोदी सरकार ने ये कहा कि वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, हम 100% उपलब्ध कराएंगे, और भारत से तो कोरोना भाग गया है। ये सब लोग फालतू की बातें कर रहे थे, आपके एक आदेश पर ताली बज गई, थाली बज गई, दिए जल गए, हाथ जोड़ दिए लोगों ने, ना लोगों को प्रधानमंत्री जी से मतलब है, ना मुख्यमंत्री जी से, ना मंत्रियों से, ना एमएलए से, ना वो हमको लड़ते हुए देखना चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी को। इस वक्त वो वैक्सीन मांग रहे हैं, भारत सरकार ने ये कहा कि पैसे लगेंगे 18 से, जब वो लड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इतनी सी आसान बात आपको समझ में आ रही है तो फिर लड़ाई क्यों हो रही है, यही तो बड़ा सवाल है ना सर। अब 11.5 लाख की बर्बादी नहीं हुई है, आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए कितने बर्बाद हुए हैं, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। मुकेश शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं राजस्थान को लेकर, सर स्पेसिफिक बात मैं आपसे चलूंगी, सरकार को करना चाहिए ठीक है सर, और पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। मेरे साथ चार और मेहमान जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों का एक एक कमेंट जल्दी से ले लेती हूं। अजय आलोक जी वो कह रहे हैं जब ताली थाली आपने बजवाई तो वैक्सीन देने की भी जिम्मेदारी आपकी थी, क्या चूक हो गई है सरकार से? अजय आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है स्क्रीन आपका म्यूट है। चलिए नूपुर आप इसका जवाब दे दीजिए, अजय आलोक के बाद में फौरन जाऊंगी, उनको ऑडियो ठीक कराइए। देखिए ताली थाली जब डॉक्टरों को फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिका में बज रही थी, फ्रांस में बज रही थी, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में, तब इनको तकलीफ नहीं थी क्योंकि सोनिया जी भी इटली से आती हैं। आज बड़ी तकलीफ हो गई है कि हमारे देश में भी हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की, उनके बलिदान के लिए उनको रिस्पेक्ट में उनको अपलॉड कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है इनको हमारे घर के डॉक्टरों से। हाँ, वो जो इनके मध्य प्रदेश के नेता है पीसी शर्मा, वो पाए गए थे गाली गलौज करते हुए डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ। इनके लॉरेंस खेमे एक बड़े नेता के सुपुत्र हैं, गढ़चिरौली में एक डॉक्टर को थप्पड़ मारते हुए नजर आए थे वीडियो के अंदर, यही इनकी दिक्कत है देश के डॉक्टरों से। बहरहाल, आपने अभी वैक्सीन वेस्टेज की बात जो करी है, 7 दिन पुराना टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं जरा आर्टिकल पढ़ लूं, आप खुद स्वास्थ्य मंत्री आप जानते होंगे, यहाँ पे नाम लिखा है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, ठीक है सॉरी, तो आप अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से आप फिर आंकड़े लेके आते आप इसमें साफ उन्होंने बताया है स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करनी होगी तो आप टॉन्ट मार के बातें कर रही है। प्रताप जी आपने सुन लीजिए ठीक है सर, ठीक है आप स्वास्थ्य मंत्री रहे ना रहे आप मंत्री तो हैं सर, जिम्मेदारी जवाबदेही उतनी ही आपकी भी है, सुन तो लीजिए एक बार। नूपुर मंत्री तो है या वो भी नहीं है तो जरा बता दीजिए आप क्या हूं, आप जो जैसे गुस्सा कर करके बोल रही है वैक्सीन तो दो,
गुस्सा नहीं आया, वैक्सीन नहीं मिल रही है तब आपको गुस्सा नहीं आया? आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उसको अब पूरा देश इंतजार ही कर रहा है। बड़ा गलत जी, अगर बारे में चलेगी वैक्सीन दिलवा नहीं सकते, अगर मंत्री पद पे बैठ के लोग झूठ बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रही है यहाँ पे, गुस्सा कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, आप क्या कर रहे हैं? बदतमीज बोल रहे हैं, मंत्री को बोला दे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे। चित्रा जी आप आंकड़े दे रही थी, आप बताइए किस राज्य के कौन से आंकड़े हैं आपके पास, जल्दी से अपनी बात कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, मेरी बात नहीं, आवाज नहीं बाहर जाएगी, आपको चुप करना पड़ेगा, मैं इसके बीच में नहीं बोली। ठीक है नुपुर जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा प्लीज, देश के दर्शक देख ले, कोई ऐसे बदतमीज से पेश आएगा उसको मंत्री बना सकता है? ना सर, दर्शक देख ले, लेकिन चलिए इनकी एक बात, सरकार को भी देख ले सारे दर्शक, इनकी बैठक हुई वर्चुअल मीटिंग, आंकड़े सुनिएगा जरा चित्रा जी, आपकी जिम्मेदारी, आप इनको चुप कीजिए, बैकिंग तो अभी भी हम ही दे रहे हैं भाई साहब, आपने क्या कर लिया, जरा सुनिए आपने क्या किया। चुरू जिले के अंदर 26% वेस्टेज, राजस्थान सरकार, क्यों आपका खजाना है जो आपको, आपका खजाना है, बीजेपी घर से लेके आई थी, आप लेके आए थे घर से, अपने दहेज में आपने, अपने घर से लेके आए थे, हिंदुस्तान की जनता का खजाना है ना हमारा है ना आपका, ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का, हिंदुस्तान की जनता का खजाना है। क्या राजस्थान सरकार सोनिया गांधी के दहेज से चल रही है? एक एक करके इस तरह की आपस में टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। हम मुद्दे पर बात करें और देखिए, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो, जनता ने ही सरकारों को चुना है, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है। प्लीज सर, एक एक करके अपनी बात रखिए, आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, आप अपने मंत्री को बुलाओ ना, आपके मंत्री डरे हुए क्यों बैठे हैं? अरे चलो, क्यों बैठे हैं मंत्री डरे, बुलाओ मंत्रियों को, तो बैठा रहेगा उनको, यहाँ बुला लिया इनको, खुद को पता नहीं है, आंकड़े पता नहीं है, सच बोलना नहीं चाहते, आप दर्शक देख रहे हैं, मैं जानता हूँ आप कितनी पॉपुलर है, चुनाव लड़िएगा उसके बाद बताना दर्शक, मैंने देख लिए ये आंकड़े सारे जीते हैं, सारे बीजेपी की आदत पर जीते आंकड़े देना, सोनिया जी के लिए गलत बोलना, राहुल गांधी के लिए गलत बोलना, मुझे लग रहा है एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक सेकेंड सर, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकारें हो।